कोपेन का जलवायु वर्गीकरण राजस्थान के विशेष संदर्भ में। व्लादिमीर कोपेन एक प्रसिद्ध जर्मन जलवायु वेता थे। कोपेन ने 1918 में विश्व की जलवायु का वर्गीकरण दिया, लेकिन इसके बाद कोपेन ने अपने इस वर्गीकरण में कई बार संशोधन किए। अंततः 1936 में अपना विशुद्ध वर्गीकरण प्रस्तुत किया। कोपेन ने किसी प्रदेश की वर्षा तथा तापमान दशाओं के आधार पर अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। कोपेन ने विश्व की जलवायु को 5 समूहों में विभाजित किया, ए बी सी डी और ई। ए का अर्थ उष्ण जलवायु प्रदेश, बी का अर्थ शुष्क जलवायु प्रदेश और सी का अर्थ उपोष्ण जलवायु प्रदेश या उष्ण शीतोष्ण जलवायु प्रदेश, डी का अर्थ शीतोष्ण जलवायु प्रदेश या शीत शीतोष्ण जलवायु प्रदेश और ई का अर्थ ध्रुवीय जलवायु प्रदेश या शीत जलवायु प्रदेश। दोस्तों, कोपेन ने बी यानी शुष्क जलवायु प्रदेश को पुनः दो भागों में विभाजित किया, एच तथा के। एच का अर्थ गर्म जलवायु प्रदेश और के कोल्ड एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कोल्ड यानी ठंडा मरुस्थली क्षेत्र। कोपेन ने एच यानी गर्म जलवायु प्रदेश को पुनः दो भागों में विभाजित किया है, डब्ल्यू तथा एस। डब्ल्यू का अर्थ शुष्कतम जलवायु प्रदेश और एस का अर्थ अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश या स्टेपीटाइप। कोपेन के विश्व जलवायु वर्गीकरण को आधार मानकर राजस्थान की जलवायु को भी 4 भागों में विभाजित किया जाता है, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, बी एस एच डब्ल्यू, सी डब्ल्यू जी और ए डब्ल्यू। बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू यह शुष्कतम जलवायु प्रदेश जो पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर का उत्तर पश्चिमी भाग, चूरू का पश्चिमी भाग शामिल किया जाता है। यह राजस्थान का शुष्क मरुस्थलीय भाग है। यहाँ वार्षिक वर्षा 20 सेंटीमीटर से भी कम पाई जाती है और दैनिक वार्षिक तापांतर भी अधिक पाया जाता है। यहाँ पर गर्मियों का औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है और सर्दियों का औसत तापमान 12 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। यह प्रदेश लगभग वनस्पति विहीन क्षेत्र है और वर्षा ऋतु में भी कुछ घास उगाती है, लेकिन खुशी की बात यह है कि यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर द्वारा पानी पहुँचाया जा रहा है और बंजर वीरान मरुस्थल को फिर से हरा भरा किया जा रहा है। दोस्तों, अगला जो वर्गीकरण है बी एस एच डब्ल्यू, यह प्रदेश अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश कहलाता है। राजस्थान में इस प्रकार की जलवायु बाड़मेर, जालोर, सिरोही, जोधपुर, पाली, नागौर, जयपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनू में पाई जाती है। इस प्रकार की जलवायु प्रदेश में वर्ष का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है और वर्षा का औसत 20 से 40 सेंटीमीटर होता है। वर्षा की तुलना वाष्पीकरण अधिक होता है। इस क्षेत्र में कांटेदार झाड़ियां व शुष्कता प्रिय पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यहाँ की वनस्पति स्टेपी घास के मैदान के तुल्य होती है। CWG यह मानसूनी वर्षा क्षेत्र कहलाता है। राजस्थान में यह प्रदेश अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर आदि जिलों में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यह जलवायु प्रदेश अरावली पर्वतों के पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी भागों में फैला है। इस प्रदेश में शीतकाल में वर्षा नहीं होती है, अधिकांश वर्षा केवल वर्षा ऋतु में ही होती है। यहाँ पर 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है तथा पतझड़ प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। AW अर्थात उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। राजस्थान में इस प्रकार की जलवायु डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही का पहाड़ी क्षेत्र, दक्षिणी उदयपुर, दक्षिणी चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, झालावाड़ तथा बारा जिला में पाई जाती है। इस जलवायु प्रदेश में शीत ऋतु शुष्क होती है तथा अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। राजस्थान में इस जलवायु प्रदेश का विस्तार दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। याद रहे, कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में धरातलीय भिन्नता, वायुदाब तथा पवनों की दशा के प्रभाव को शामिल नहीं किया है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।